भगवान के भोग में रखी गई रूखी रोटी प्रेत के भाग में जाती है, बिना गौ माता के घी के लगे बिना जो रोटी कई लोग आप लोग जो कंडे पर धुनी देते हो, धूप छोड़ते हो या देवी देवता का पूजन करते हो, तो जिस रोटी में घी नहीं लगा रहता गौ माता का, गाय का घी जिस रोटी में नहीं है, वो रोटी अगर अग्नि में भी डाली जाती है, वो रोटी भगवान के भोग में भी लगाई जाती है, वो रोटी ब्राह्मण जन को भी अगर जिमाई जाती है तो प्रेत के भाग में चली जाती है, वो देव भाग में नहीं जा सकता। इसलिए हिंदू धर्म में एक नियम बनाया कि घी शक्कर का भोग लगाओ, घी शक्कर, इसलिए कम से कम तुम भले रोटी में घी लगाओगे पर शक्कर के साथ घी तो मिलाओगे, कि घी शक्कर की धूप दे दो पर दो उसमें घी होना, अर्थात कि वो प्रेत के भाग में ना जाए, वो देव भाग में जाए।